बबरी कौन था? आप देखिए, पांडवों में जो भीम थे, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच। भीम का एक विवाह हिडिंबा नाम की स्त्री से हुआ था, जो राक्षस कुल की थी, लेकिन बड़ी तपस्वनी। राक्षस ये नहीं कि वे बुरे ही बुरे लोग होंगे, ये जातियों का वर्गीकरण है। वो बचपन से ही, बाल्यकाल से ही तपस्वनी थी, निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगी रहती थी। और जब हम कुल्लू मनाली जाते तो वहाँ पे हिडिंबा का मंदिर है, वही स्थान था जहाँ उसका घर था और वो एक राजकुमारी थी। उस हिडिंबा से और भीम से घटोत्कच पैदा हुआ, घटोत्कच का पुत्र बबरीक हुआ। बबरीक प्रारंभ से ही बड़ा ज्ञानी, तपस्वी, और वो अपनी दादी को पूजा पाठ करते देखता तो उनसे पूछता, दादी रात दिन इतनी पूजा क्यों करती हो? कहा, पुत्र इसलिए कि जिससे मोक्ष हो जाएगा। उसने पूछा, मेरा भी मोक्ष हो जाएगा क्या? बोले, हाँ हो जाएगा। परम ब्रह्म की आराधना करो, मंत्रों का जाप करो, अपनी आत्मा का शोधन करो, तो 3-4 जन्म में जाकर के मोक्ष हो जाएगा। कहा, एक जन्म में क्यों नहीं हो सकता? बोले, एक जन्म में इतनी कोई तपस्या कर नहीं सकता, और हाँ, कृष्ण महाराज जो परम ब्रह्म का अवतार माने जाते हैं, इस समय वो आए हुए हैं और महाभारत का युद्ध होगा। यदि उनके हाथों से जो जो लोग मारे जाएंगे उनका मोक्ष हो जाएगा। बबरीक ने कहा, यदि मैं भी उनके हाथों से मारा जाऊं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा? बोले, हाँ। हिडिंबा ने कहा, पुत्र ये शरीर तो एक दिन छूटना ही छूटना है, और इतनी तपस्या एक जन्म में कोई नहीं कर सकता कि वो मोक्ष पद को प्राप्त कर ले। तो बबरीक ने कहा, मैं कृष्ण महाराज को क्रोध दिलाऊंगा और उनके शस्त्र के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करूंगा और मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा एक ही जन्म में, कि यही उपाय ठीक है। उसकी दादी ने कह दिया। अब तपस्या उसने बहुत की, युवा हो गया, जवान हो गया, महाभारत का युद्ध उधर शुरू हुआ कुरुक्षेत्र में, तो उस दिशा में वो पहुंचा। उधर कृष्ण महाराज ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा बबरीक आ रहा है रथ पे चढ़ा हुआ, तुरंत एक ब्राह्मण का भेष बना के उसके सामने पहुंच गए। कहा, अरे बबरीक कहाँ जा रहे हो? कहा, बबरीक ने कहा, मैं कमजोर लोगों की मदद करने जा रहा हूं। पांडव तो बहुत बलवान है, बलशाली। इस युद्ध में जिन लोगों की हार पराजय हो रही होगी मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण महाराज ने कहा, सुनो, धर्म और अधर्म का हमें विचार करना चाहिए। जो लोग अधर्मी हैं, चाहे वे कमजोर हैं, तो क्या तुम उनकी तरफ से लड़ोगे? बोले, हाँ। कि अधर्मियों की मदद करना ठीक नहीं होता है? कि मेरी दादी ने तो यही कहा है कि बेटा कमजोरों की मदद करना ही धर्म होता है। बोले, नहीं, जो धर्म की तरफ है उनकी मदद करना ठीक होता है। धर्मात्माओं की मदद हमें करनी चाहिए। जो पाप आत्मा है, जो धर्म का विचार ही ना करें,
जो धर्म को त्याग दें, जो धर्म को माने ही नहीं, उनकी कभी एक ज्ञानी पुरुष को, धार्मिक पुरुष को कभी मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो भी पाप का भागी होता है। बोले नहीं, मैं तो ऐसा ही करूँगा। उसका तो मतलब, मकसद ही ये था कि कृष्ण को कैसे क्रोध दिलाए। कृष्ण महाराज ने कहा, अरे तुम्हारे तुणीर में तो केवल 3 बाण हैं। बबरीक ने कहा, 3 की जरूरत नहीं, 1 में ही। जितनी भी सेना इस समय में युद्ध क्षेत्र में है, 1 बाण से सबको खत्म कर दूंगा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले ऐसी क्या विद्या है कि मैंने नारायणी विद्या सिद्ध की है कि प्रमाण, कि देखो प्रमाण। तो वहाँ एक वृक्ष था, उसने तीर छोड़ा, हरेक पत्ता उस बाण से बिंध गया, एक भी पत्ता नहीं बचा। कृष्ण महाराज की मुट्ठी में एक पत्ता था, एक पैर के नीचे था, वे दोनों भी बिंध गए। कृष्ण महाराज ने देखा, अरे ये तो सर्वनाश कर देगा, सबको मार डालेगा। उन्होंने उसको फिर बहुत समझाया, बोले नहीं, अब मैं अपना दूसरा बाण चढ़ा रहा हूँ और मुझे मालूम है तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो, तुम कृष्ण हो, मैं तुम्हें पहले ही पहचान गया था, और अब तुम मुझको रोको, देखो तुम में शक्ति हो तो, और इस बाण से मैं आज ही इसी समय, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, और सबको ख़त्म किए देता हूँ। और उसने अपना बाण चढ़ा लिया। उधर कृष्ण महाराज को क्रोध आया, उन्होंने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और बबरीक का सर काट के अलग कर दिया। बबरीक ने कहा, धन्य हो प्रभु, यही मैं चाहता था। मेरी दादी ने मुझको समझा दिया था कि अगर कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा मोक्ष इस जन्म में हो जाएगा। बोले अच्छा, कि हाँ, कि मेरी एक अंतिम इच्छा आप पूरी करें, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ, कौन कैसे कैसे लड़ता है, क्योंकि मैं एक तपस्वी भी हूँ और एक योद्धा भी हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ इस युद्ध में कैसे कैसे योद्धा आए हुए। बोले ठीक। उन्होंने वहीं उसके मस्तक को पेड़ से लटका दिया कि यहाँ से तुम देखते रहो, और वो युद्ध का दृश्य देखता रहा। युद्ध समाप्त हो गया, कृष्ण महाराज के साथ में पांडव और द्रौपदी भी वापस आ रहे थे। बबरीक ने देखा, ये मेरे पिता और पिता के पूज्य कृष्ण महाराज और युधिष्ठिर हैं, उनको प्रणाम उसने किया और हंसने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? बबरीक ने कहा, इसलिए हंस रहा हूं कि लोग दूसरों के पाप को अपने सिर पे रखे फिरते हैं। बोले क्या मतलब? मतलब ये है कि एक पाप तो अश्वत्थामा ने किया, सोते हुए पांडव पुत्रों को उसने मार डाला, और अभिमन्यु के पुत्र को गर्भ में ही, परीक्षित को नष्ट किया, लेकिन कृष्ण महाराज ने फिर से उसको बचाया। और युधिष्ठिर, आप जो धर्मराज कहलाते हैं, कृष्ण महाराज ने वो मणि अश्वत्थामा की निकाल ली मस्तक से, और उस मणि को तुमने अपने मुकुट में जगा दी है, दूसरे का पाप तुमने अपने माथे पे लगाया हुआ है, ये पाप की निशानी है। ये सुनकर युधिष्ठिर का मुख म्लान पड़ गया, कांति जाती रही। फिर भीम ने कहा, पुत्र,
तुमने इस युद्ध को देखा? बबरीक ने कहा, बहुत अच्छी तरह से देखा, और मैंने ये देखा कि एक भी योद्धा इस युद्ध में काम का नहीं था। बोले, ये क्या बात, हमने ये पराक्रम किया, उसने ये किया, अर्जुन ने उसको मारा। बोले, यही तो आप लोगों का भ्रम है। कृष्ण महाराज ने तुम लोगों के ऊपर माया का पर्दा डाला हुआ है अब तक, और तुम वास्तविकता को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते। कृष्ण महाराज ने इशारा किया, बबरीक ठहर जाओ, जो तुमने देखा है उसका वर्णन मत करो। कहा, कृष्ण महाराज, मेरा ये अंतिम समय है, आपने सत्य की स्थापना की है, धर्म की स्थापना की है, और यदि मैं सत्य को ना कहूं तो संसार कभी भी सत्य को जान नहीं पाएगा। वे यही समझेंगे कि पांडवों ने युद्ध जीता। बबरीक ने कहा, आप सभी लोग पांडवगण वास्तविक सत्य का श्रवण करें। जिस समय अर्जुन बाण चलाते थे, इनके बाण बीच में ही गिर जाते, वहां तक जा ही नहीं सकते थे। उसी समय इनके बाण पर सुदर्शन चक्र चलता हुआ योद्धाओं के सिर को काट देता था, और अर्जुन सोचते थे मेरे बाण से मरा है। द्रोणाचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने मारा, कर्ण को सुदर्शन चक्र ने मारा, भीष्म पितामह को जो गिराया, तीर इनके चले लेकिन गिरे कैसे, कृष्ण के सुदर्शन चक्र से। जितने भी महायोद्धा इसमें मरे हैं, आप लोगों ने एक भी नहीं मारा। केवल आपको अपनी वीरता का घमंड और भ्रम मात्र है। केवल नारायण की वजह से आप लोगों के प्राण बच गए हैं, अन्यथा आप में से एक भी जीवित नहीं रहता। ये मैंने जो देखा है और तुम लोगों ने नहीं देखा, दूसरे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मुझको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी इसलिए मैंने देखा। उन सब का अभिमान चूर चूर हो गया। कृष्ण महाराज यही चाहते थे, इसीलिए उस मार्ग से वे उन सबको लेके आए थे। बबरीक ने कहा, प्रभु अब आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें, अपना दिव्य स्वरूप मुझे प्रदान करें। कृष्ण महाराज ने कहा, चरणों में नहीं, हमारे हृदय में तुम्हारा स्थान है, और उसका वो कटा हुआ मस्तक वहाँ से निकल के कृष्ण महाराज के हृदय में जाके अंतर ध्यान हो गया। तो ये बबरीक का दृष्टांत था, और आज भी जिनको खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हम लोग हैं, हम सोचते हैं हमने ये तीर मार दिया, हमने ये भक्ति कर ली, हमने ये हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारे धन के द्वारा ये सब हो गया। हम लोगों का भ्रम है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब हम लोग पन्नी की झोंपड़ी में रहते थे, जिन लोगों ने वो दृश्य देखा है, हम लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था उस समय।
ओढ़ने के लिए केवल एक कंबल होता था, जिसमें 6 और 7 व्यक्ति ऐसे लंबा करके उसमें घुसते थे, पैर बाहर और सिर बाहर। और बड़ा आनंद था। उन्हीं दिनों सुबह सुबह 7-8 महात्मा आ गए और उन्होंने कहा हम नाश्ता करेंगे, चाय वाय पियेंगे। चाय बनी हुई थी लेकिन और कुछ साथ में उस समय था नहीं, तो चाय उनको परसी गई, कहा पीजिए। अरे भाई कुछ बिस्कुट विस्कुट लाओ, कुछ नमकीन शमकीन। तो हमारे किसी साथी ने, देवता ने हमसे आके कहा, वो ऐसा कह रहे हैं, हमने कहा बैठ जाओ, जब है ही नहीं तो कहाँ से दें, चाय पी लेंगे उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। वहीं उसको बैठा दें। तभी एक कौवा, बिल्कुल सत्य घटना है ये, कहीं से बिस्कुट का एक पैकेट लाया बड़ा सा और उन महात्माओं के बीच में डाल के उड़ गया। बिल्कुल सत्य घटना। ये घटना इसलिए थी जिससे हम लोगों की आंखें खुलें। ऐसे ही एक दृष्टांत आता है राबिया का, एक बहुत पवित्र आत्मा वाली संत महिला हुई हैं। वो कुछ भोजन पका रही थी और बहुत गरीबी की हालत उनकी थी। उनके साथ में एक उनकी सहायक स्त्री थी, सखी होगी या शिष्या होगी। उसने कहा प्याज तो है ही नहीं, प्याज कहाँ से लाएं। राबिया ने कहा प्याज कोई ज़रूरी है क्या, ऐसी पका लो। थोड़ी देर बाद फिर बोली प्याज अगर मिल जाती तो बहुत अच्छा बन जाता खाना। राबिया ने कहा खामोश, जितना परमात्मा ने दिया है वैसा बना लो ना। एक बार फिर उसने कहा प्याज, एक चील कहीं से आई और प्याज उस पतीले में डाल गई। इस दृश्य को देख के राबिया अफसोस में भर गई, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसको कहा स्त्री को, तूने प्याज के कारण आसमानों में हलचल मचा दी, उस परमात्मा को फरिश्ता भेजना पड़ा केवल एक प्याज लेके। हम लोगों की बुद्धि कैसी खराब है, बिना प्याज के हम नहीं बचा सकते। तो इस तरह की बातें, बहुत से ऐसे दृष्टांत आते हैं उस परमेश्वर की महिमा जब हमारे सामने प्रकट होती है। अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में हमें देखना चाहिए कैसे दुख संकटों में मुसीबतों में हम लोग घिर गए। सभी अपने अपने जीवन में, इस पृथ्वी पर रहते हुए हरेक मनुष्य के जीवन में संकट काल उपस्थित होते हैं। ऐसा समय आता है जब मनुष्य अपने को इस आकाश के नीचे बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ पाता है, कोई सहायक नहीं होता, कुछ नहीं होता। उस समय अचानक कहीं से हमें मदद मिलती है और हम जान नहीं पाते कि ये मदद कैसे आई, कहाँ से आई, किसने की। और जैसे कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी पार हो जाती है, ऐसे ही हमारा जीवन भी उससे पार हो जाता है।